संचालनालय पुणे यांनी 15 एप्रिल रोजी राज्यातील शाळेत 25% आरटीई प्रवेश प्रक्रिया सुरू करून पालकांची प्रवेश यादी जाहीर केली, परंतु सध्या शाळा बंद ठेवण्यात याव्यात असा शासनाचाच आदेश असल्याने सदर प्रवेश प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे। त्यामुळे प्रक्रिया तात्काळ स्थगित करावी अशी मागणी आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्राध्यापक सचिन काळबांडे यांनी केली आहे। आरटीई कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील बालकांना 1 ते 8 मध्ये मोफत शिक्षण देण्यात येते। सुमारे 4 लाख विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, परंतु सरकारने 4 वर्षापासून शाळांना परतावा दिला नाही, त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन आर्थिक अडचणीत आले आहे। शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी 7 दिवसात वित्त मंत्रालयात सदर निधी मंजूर करून शाळांना देऊ असे शासनाचे लिखित पत्र दिले। राज्याची 1,650 कोटींची मागणी असताना फक्त 50 कोटी मंजूर करून शाळांना न्याय देऊ शकले नाही। संपूर्ण रक्कम जोपर्यंत शासन शाळांना देत नाही किंवा नियोजन करीत नाही तोपर्यंत प्रवेश प्रक्रिया स्थगित करावी अशी मागणी आरटीई फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्राध्यापक सचिन काळबांडे यांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे केली आहे। नमस्कार, मैं प्राध्यापक सचिन कालमंडे आरटीई फाउंडेशन के अध्यक्ष के नाते आपके को बताना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अधिनियम 2009 अंतर्गत आरटीई अधिनियम लागू किया है। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में प्रवेश प्रक्रिया शिक्षा मंत्री इन्होंने शुरू की, लेकिन अभी कोरोना के पार्श्वभूमि पे सभी महाराष्ट्र और सभी राज्यों में स्कूल बंद करने का आदेश भी इसके साथ दिया गया है। संपूर्णतः लॉकडाउन की परिस्थिति जी सभी तरफ है। ऐसी विषम परिस्थिति में आरटीई प्रवेश प्रक्रिया को लागू करना शुरू करना वाकई में बहुत आश्चर्यजनक बात है। हमने निवेदन के रूप में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ तथा मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन सभी को हमने सूचित किया है कि इस अभी जो प्रक्रिया है ये इसको तुरंत स्थगित करें। और कई सारे पालकों की यह समस्या है कि उनको वह गरीबी नीचे रेखा के नीचे रहते हुए भी और उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही दुर्बल होने के बाद भी उनको नंबर नहीं लगाए। इस पूरी प्रक्रिया की जांच हो, क्योंकि यह देखा गया है कि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया में जो गरीब बच्चों के लिए वंचित दुर्बल घटकों के लिए उनको न लगते हुए अमीर लोग इसका गैरफायदा उठा रहे, अमीर लोगों को यह नंबर लग रहा है, तो इसकी पूरी जांच हो। डिस्टेंस जो मैपिंग हो रहा है वो गलत हो रहा है, कुछ लोग इसमें दलाली कर रहे हैं, वो अपने पहचान के मार्फत शिक्षण विभाग से मिलीभगत करके इसमें उनका अमीर लोगों का नंबर पैसे लेकर लगा रहे, ऐसे भी बहुत सारे मामले आ गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की जांच हो और इसको सभी के सामने लाए और अच्छी प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पुनः इसको सोचा जाए और नियमित रूप से नियमावली से इसको समूचे महाराष्ट्र राज्य में इसको सर्कुलेट किया जाए, ऐसे में आपसे आरटी फाउंडेशन की तरफ से इसको विनती करता हूँ। धन्यवाद। अशीच बातम्या बघण्याकरिता बघत रहा री इंडिया न्यूज आणि आमचे चॅनलला लाईक करा, जास्तीत जास्त सबस्क्राइब करा आणि शेअर करा।